एक ऐसा एक हम लोग रैली डालना है कि स्टेट में हम लोग ये फर्स्ट टाइम है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डिलिमिटेशन 2002 को सारा देश में एक डिलिमिट करने का, कॉन्स्टिट्यूंसी को डिलिमिट करने के लिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 2002 को सारा देश में इम्प्लीमेंट किया है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद चार स्टेट में नहीं हुआ है, अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, वो चार स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं होने का कारण से। तो ये सिंपल एक रीजन था कि चार स्टेट का गवर्नमेंट ने ये दिया था कि एक यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है बोल के चार स्टेट का जो गवर्नमेंट ने लिखा था 2008-09 को डिलिमिटेशन क्या होना था उसमें, लेकिन इसलिए पेंडिंग रह गया सारा देश में, तो इम्प्लीमेंट हो गया। उसका बाद चलते 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 अभी क्या हो गया कि देखा तो हमारा नोटिस डिलिमिटेशन डिमांड कमिटी उन चार स्टेट का जो एक कमिटी कॉन्स्टिट किया, और यह स्टेट के लिए हमको अरुणाचल के लिए एक चेयरमैन बनाया, अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमिटी। तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी अभी हम लोग को गवर्नमेंट को एवैक्यूएशन करना है, जगाना है, डिलिमिटेशन देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको आसान हमें पता है, आपको पता है, लेकिन जो कॉमन मासेस इतना आइडिया नहीं क्या है ये एग्जैक्टली डिलिमिटेशन। ऐसा है कि एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी एक ये है कि एक असेंबली सीट में एक पॉपुलेशन देखता है, एक ज्योग्राफी देखता है, वो सब चीज क्राइटेरिया फुलफिल होने का बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है, इसलिए वो है। तो अभी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय 60 असेंबली का वो होता है, तब उसमें कितना पॉपुलेशन होगा निकलेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि एक डेवलपमेंट लाने के लिए एक स्टेट को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन चाहिए, एक स्टेट ज्योग्राफी चाहिए, इसी मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन चाहिए, एक ज्योग्राफी चाहिए, उसका रेशो करके जो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी का टोटल सॉरी आपका असेंबली का अरुणाचल जैसा 60 असेंबली जो टोटल पॉपुलेशन से एक रेशियो निकलता है, उसका हिसाब से डेवलपमेंट भी सेंटर से जो फंडिंग आता है। तो अभी रेशियो क्या है? यूनियन टेरिटरी एंड अभी जो रेशियो जो क्या है रेशियो अभी रेशियो को पहले शायद मेंटेन इन्होंने ऐसा किया था 1974 उसका बाद ऐसा 71 सार जो बोर्ड है ऐसा होके आया क्राइटेरिया उसका कमीशन लुगी बनाता है इसको डिलिमिटेशन कमीशन। यहाँ भी अभी लागू होने से यहाँ स्टेट में डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन का कमीशन कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट करेगा, उसका हिसाब से वो क्राइटेरिया को फुलफिल करके वो एक आपका वो क्रिएशन करेगा। वही है सर, ये डिलिमिटेशन केस जो है जो आप लोग का जो डिमांड है मेन क्रक्स इज लाइक यू वांट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश ना, तो बट वी ऑलरेडी हैव सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कमिंग अप एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑलरेडी प्लानिंग का वजह से वी हैव 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एमएलए आल्सो, सो व्हाई मोर डिमांड का मोर सीट्स इन द नहीं इसमें ऐसा है इसमें कोई कम्युनिटी बेस नहीं होगा, कम्युनिटी बेस भी नहीं होगा, और ये आपका उसमें वो है कि एक पॉपुलेशन बेस में ज्यादा दिखेगा, एक रेशियो को दिखेगा। अब इसने बता दिया कि आपका 60 असेंबली ना टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेगा ना, उसका हिसाब से रेशियो से निकलेगा। जैसे अभी देखो कोई कोई जगह में 5000 है पॉपुलेशन, कोई कोई में 40,000 है, तो डेवलपमेंट का तो उसमें इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है ना। वही है जैसा कि हमारा ये ईटानगर में या तो 40+ है, और कुछ कुछ असेंबली में उसमें देखा जाए तो लास्ट 2009 इलेक्शन में कोई कोई जगह में तो 4000 वाला भी था असेंबली को। आप देखिए ना, तो क्योंकि डेवलपमेंट तो प्रोपोर्शनेट से आएगा ना, फंडिंग जो एलोकेशन जो, तो एक जगह में अभी जैसा जैसा कि एसआईडी फंड एक एमएलए को 10 करोड़ देता है, तो एक एमएलए को 10 करोड़ देगा पॉपुलेशन में, जैसा कि 5000 को 10 करोड़ मिल रहा है, 40,000 वाला भी ये एक सेम एलोकेशन आ रहा है। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट में प्रोपोर्शनेट नहीं होता है पॉलिसी मेकिंग में, उसका बाद ये इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होने से क्या होता है कि उसमें सिस्टम फेल हो जाता है। तो इक्वल मेन तो है कि असेंबली में इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन करना है, इसलिए मैंने डिलिमिटेशन जो जो आज अभी का जो रिप्रेजेंटेशन में है
यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट नो नो देयर इज यू नो डिफरेंस ऑफ द हेवन एंड हेल इन अरुणाचल प्रदेश सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दे आर 5-6,000 एंड सम ऑफ 40-50,000 सो आई नीड माई सबमिशन इज दैट वी मस्ट हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली therefore that's why the government of india act of parliament 2002 not only our state it's you know implementing entire country already implemented they've implemented only this poor state why this is our question so government should take it very serious demographic kyun change hota hai ministry of law and justice ne aapne abhi humne bola tha ki they are agreed government of arunachal pradesh ka reply hai pandemic ka wajah se we are not able to यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेइंग दैट बेसिंग ऑन दिस 2021 सेंसस कुड नॉट कैरी आउट सो दिस इज अ लेम एक्सक्यूज आई रिपीटेडली से बिकॉज ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज This is backlog. We are just demanding for backlog 2001 population. 2001 population. Yes. Implement the delimitation should be implemented. Not for this 2021. 2020. Other Assam also not done census of 2020 because of pandemic. But they are going to implement. Assam जब implement करने जा रहा है, तो same pandemic तो सारा देश में हुआ है ना. 2021 Assam में भी तो census नहीं कर सकता. यहाँ भी तो नहीं हुआ. मणिपुर नागालैंड नहीं हुआ है. बट इस तरह का इंप्लीमेंट हुआ लेकिन असम का जो अभी जो वो लोग भी डिलिमिटेशन कर रहा है तो वो लोग अकॉर्डिंग टू रीसेंट सेंसस दे हैव डन 1 करोड़ मणिपुर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है दैट्स व्हाई दे आर इंप्लीमेंटिंग नहीं नहीं उन लोग का अरुणाचल का सेंसस ही वो किसने किया इट्स नॉट कम अप बिकॉज़ पॉपुलेशन अरुणाचल गवर्नमेंट पॉपुलेशन ही इज लीस्ट पॉपुलेटेड मणिपुर गवर्नमेंट नागालैंड गवर्नमेंट ने सेंटर में लिखा उसने भी तो उसमें आप किया जो प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन असम का 2011 सेंसस से हो रहा है वजह से 2011 सेंसस सो वी कैन आल्सो टेक 2011 इफ नॉट 2001 का आप संसद से नहीं लेके कर सकते तो 2011 से तो असम जैसा करने जा रहा है दिस कैन बी बट वही डिले अभी ऐसा करते 2021 नहीं किया उसका 2031 चला जाएगा 2031 होगा 2041 चला जाएगा तो दोस यू नो द एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्रीम ऑफ दोस यू नो सीनियर सिटीजन दैट विल बी यू नो they won't be able to enjoy their rights na unko ko bhi enjoy karne to tar apna delimitation ko to enjoy karna kahin bhi lagu na rahe we are not particularly demanding this that but ek criteria bana ke bana do delimitation ko population ratio se proportionate representation se assembly mein karne dijiye aur aisa nahi ye dekhiye ek cheez ye ek samvidhan mein jo hame adhikar diya gaya wo hum sab ke liye sara desh ke liye na uske ek do aadmi ke liye to nahi banaya na wo aap sochiye usme This law is for everybody. Law should be applied equally. And rule, act of parliament 2002 should be applied equally. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ केंद्र सरकार राज्य सरकार वही अरुणाचल should be different. ये बाकी सब इवन जम्मू एंड कश्मीर दे आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग देखो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस था जो अब यूनियन टेरिटरी हो गया इन लोग भी वहाँ इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं हमारा यहाँ क्यों डिले करना है आँख खोलना है अभी सरकार का आँख खोलना है हम सब का आँख खोलना है We must work together. मैं एक बात बताना चाहता हूँ ये आज आपका रैली का अगर सरकार का तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं है तो फिर आप लोग का स्टेप सरकार तो आएगा होगा हमको ऐसा लगा सरकार तो आएगा हंगर स्ट्राइक में भी चला जाएगा नहीं जाएगा जाएगा जाना पड़ेगा मैं खुद करूंगा क्योंकि आई विल फाइट फॉर द यू नो जस्टिस नो मेरा पर्टिकुलर इशू है ये डिलिमिटेशन इशू में हम काम करेंगे हमको बाकी आई डोंट केयर एंड बाकी स्टेट में क्या रहे बट पर्टिकुलर दिस इशू आई विल टेक अप एंड देन वी हैव सीन सो मेनी तो आप कौन कौन सा आया है ऑल कम्युनिटी एंड ऑल इंटेलेक्चुअल पर्सन एकेडमिशियन आया और यहाँ में रिटायर वाला लोग आया यूथ स्पेशली यूथ लोग आया और कम्युनिटी से आया स्टेट का जो स्टेक होल्डर सब आया और लॉयर लोग भी आया तो वही है इसमें तो कोई तो आगे बढ़ने पर कोई तो इसको इशू को तो उठाना पड़ेगा ना स्पेशली इसमें स्पेशली लॉयर लोग को मैं इंटेलेक्ट पर्सन ऑफ द स्टेट सबको यहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए एक स्टेट का एक लॉ का इशू भी है ना डिलिमिटेशन एक्ट का इशू है उसमें थोड़ा टेक्निकल भी है नहीं हुआ नहीं है